जैसे कि आप लोगों को पता है यार, हम इंडियंस को ना SUVs बहुत पसंद है, आई मीन कुछ ज्यादा है। लेकिन SUVs में से भी स्कॉर्पियो एक ऐसी SUV है जिसकी अगर मैं बात करूँ फैन फॉलोइंग की या फिर सेल्स फिगर्स की या फिर हमारे दिल में उसके लिए प्यार की, तो वो एक अलग ही लेवल पे है। तो आखिर ऐसा है क्या इस गाड़ी में यार कि गुंडा लोग हो या फिर पुलिस वाले, मिनिस्टर्स हो या फिर किसान या फिर हमारे देश के जवान, सभी को ये गाड़ी इतनी ज्यादा पसंद है? इसकी पावर, परफॉर्मेंस या फिर ऑफरोडिंग एबिलिटीज? यू नो व्हाट, यही जानने के लिए मैंने इंटरनेट पे अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट। तो चलो यार शुरू करते हैं लुक्स। लुक्स कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का मेन USP है। इसकी इम्पोजिंग फ्रंट ग्रिल की वजह से जो इसका फ्रंट लुक है वो इतना माचो है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्रंट लुक में ये फॉर्च्यूनर से ज्यादा बेटर है। हालांकि अगर बात करें इसके रेयर की, इट्स फाइन। और इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस ऐसी है ना कि जब भी कोई बंदा इस गाड़ी को रोड से लेकर निकलता है तो लोग अपने आप साइड हो जाते हैं। इसके इस बॉक्सी मीनी एंड माचो लुक की वजह से इसमें प्रॉपर एक गैंगस्टर लुक आता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये गाड़ी सिर्फ दिखने में बड़ी लगती है, ये एक्चुअली स्पेस वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरा मतलब है ये क्लिप देखो आप एग्जाम्पल की। आई डोंट रियली थिंक कि इनमें से किसी को भी स्पेस को लेकर कोई कंप्लेंट है इस गाड़ी। अच्छा तो अब जल्दी से इस गाड़ी के प्राइस की बात भी कर लेते हैं। ऑन रोड प्राइजेस दिल्ली में शुरू होते हैं 16 लाख रुपए से और प्राइजेस जाते हैं 22 लाख रुपए तक। ये उन कुछ इकलौती गाड़ियों में से है जो कि व्हीली मार सकती है। आई मीन लिटरली व्हीली। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और इसके बाद आप देखो इसका ये टॉप स्पीड का, जिसमें इतनी बॉक्स शेप कार होने के बावजूद भी ये अचीव करती है 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। दैट्स, एक बार मैं इस कार को लेके लॉन्ग ट्रिप पे गया था, 90 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा तेज मैंने ये गाड़ी नहीं चलाई। अच्छा ये तो हो गया कि हम कितनी टॉप स्पीड तक जा सकते हैं। अब देखो इसकी टॉर्क का कमाल, मतलब जो इसमें ये 320 Nm का टॉर्क आप लोगों को मिलता है वो क्या कमाल कर सकता है। और वो बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं ये 3 examples, जिसमें सबसे पहले ड्रैग रेस है XUV500 के साथ, बड़ी बहन है kind of। लेकिन इस वीडियो में देखो किस तरह स्कॉर्पियो XUV500 को पीछे छोड़ जाती है। Nice, है ना? अब आते हैं दूसरी के ऊपर। यू नो महिंद्रा स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा जो राइवल है वो है टाटा सफारी स्टॉर्म। तो देखा आप लोगों ने किस तरह का खतरनाक लॉन्च लिया स्कॉर्पियो ने। इवन दो टाटा सफारी स्टॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल कार है, लेकिन स्कॉर्पियो के सामने नो चांस। अब ये क्लिप देखो जिसमें स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर को, यस टोयोटा फॉर्च्यूनर को एकदम तगड़ी टक्कर दे रही है ड्रैग में। टोयोटा फॉर्च्यूनर वर्सेस स्कॉर्पियो, यार हाउ द हेल इज पॉसिबल, ऐसा कैसे कर रही है ये गाड़ी आज? Let me know in the comment section कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि ये human error की वजह से हो या फिर और कोई कारण हो। Let's discuss this in the comment section, okay? Tug of war and towing abilities। और इसमें भी मेरे पास कुछ ऐसी क्लिप्स हैं जो कि मतलब आपको हैरान कर देगी। तो सबसे पहली क्लिप है ये Fortuner versus Scorpio, and जैसा कि आप लोग देख सकते हो, yes, Scorpio ने Fortuner को tug of war में हरा दिया। ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इस टग ऑफ वॉर अगर हम बात करें तो ये भारी की सारी गेम होती है ट्रैक्शन की, एंड स्पेशली अगर आप कंसीडर करो फॉर्च्यूनर को स्कॉर्पियो के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर के पास ज्यादा पावर फिगर्स हैं, बेटर टॉर्क है, बेटर ट्रैक्शन है, फिर भी स्कॉर्पियो ने बाजी मारी। ये एक इकलौता एग्जांपल नहीं है, इसका एक और एग्जांपल है। दूसरी क्लिप है वो मैं वीडियो के एंड में रखूंगा, यू नो, ताकि आप वीडियो पूरी देखो। आधी अधूरी वीडियो देख के भाग जाते हो आप लोग, अच्छी बात नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट कि इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस डिफरेंस है। मतलब अगर मैं स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल देखूं तो वो एक लेजेंडर के प्राइस पे आप 2 स्कॉर्पियो ले सकते हो ऑलमोस्ट, और उसके बाद भी आपके पास उन दोनों गाड़ियों को साल भर चलाने के लिए डीजल का पैसा बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये गाड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं, महिंद्रा दुनिया में सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं। एंड ट्रैक्टर से याद आया, ये क्लिप देख। हमें पता है कि ट्रैक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल, मतलब ट्रैक्टर्स का मतलब ही होता है ट्रैक्शन, समझ सकते हो आपके कितना टॉर्क होता है ट्रैक्टर्स के अंदर। और इस क्लिप को देखो जहाँ पे स्कॉर्पियो ने एक ट्रैक्टर को टग ऑफ वॉर में हरा दिया। आई डोंट नो ये गाड़ी ये सब कैसे कर रही है, बट मैं भी उतना ही सरप्राइज हूँ जितना आप लोग। अगेन ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है मेरे पास, ये रहा इसका दूसरा एग्जांपल, ये भी देख लो। तो ये देखो ये है एक पुरानी एंडेवर, इसको भी ना सिर्फ इसने टक्कर दी बल्कि इसकी हालत खराब कर दी। नाइस, उसके बाद हम आ जाते हैं बुलेरो, एंड बुलेरो जानी भी जाती है अपनी SUV टोइंग और ऑफ रोड एबिलिटीज के लिए, बट यहाँ पे देखो कैसे इस बुलेरो की हालत खराब करके रखती है स्कॉर्पियो ने टग ऑफ वॉर में। बेचारी बुलेरो वहां सिर्फ टायर रगड़ती रहती है ना, और स्कॉर्पियो वो हिली भी नहीं। पुराना वर्जन है स्कॉर्पियो का और पुरानी वर्जन है थार की, और इन दोनों के बीच में भी जो टग ऑफ वॉर है उसका रिजल्ट भी सेम है। स्कॉर्पियो जो कि एक 4x2 है, उसने थार को टग ऑफ वॉर में
हरा दिया। ये वीडियो बनाते हुए और रिसर्च करते हुए मुझे ऐसा लगा कि यार स्कॉर्पियो ने सही में बहुत ही ज्यादा, मुन्ना भाई ने क्या कहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्कॉर्पियो इज अनडिफीटेबल। मतलब आप ये वाली वीडियो देखिए कि किस तरह एंडेवर ने स्कॉर्पियो को जरा सा भी जान सकते हैं। आई मीन एंडी इज एंडी है ना, वी लव इट। ऑब्वियसली स्कॉर्पियो 4x2 है, लेकिन जस्ट लुक एट इट, इतना व्हील स्पिन, इतनी पावर, और एंडेवर को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। यहाँ पे होता है हमारा टग ऑफ वॉर का सेक्शन खत्म और अब हम आ जाते हैं टोइंग एबिलिटीज के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए जिसमें स्कॉर्पियो एक ट्रक को टो कर रही है, टाटा 407 टू बी एग्जैक्ट, बट स्कॉर्पियो ने कितनी एफर्टलेसली इस ट्रक को खींच लिया, नो व्हील स्पिन। अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि जो XUV500 है वो 4x2 है और स्कॉर्पियो 4x4 है, एंड 4x2 होने की वजह से XUV500 स्नो में ऑब्वियसली फंस गई है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे भी कितना एफर्टलेसली बस ड्रैग करती हुई चले जा रही है। स्नो में गाड़ियां बहुत ज्यादा ट्रैक्शन यूज करती है, हैरो तो कितनी एफर्टलेसली इसने खींच दिया। मतलब यार ये कार रेस्क्यू करती है, खेतों को जोतती है, और जैसा कि मैं अब आगे आपको दिखाऊंगा एक बहुत अच्छी ऑफरोडर भी है, कंफर्ट भी इसमें बहुत अच्छा है, और वो भी ऐसे प्राइस पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो बहुत ही ज्यादा क्लोज है टू अ परफेक्ट कार। जस्ट फॉर फन ये देखो क्या होता है जब ब्रिजा स्कॉर्पियो को चैलेंज करती है। So, हम लोगों ने स्कॉर्पियो के ड्राइव ट्रेन के बारे में जान लिया, उसके पावर फिगर्स के बारे में जान लिया, उसको प्रैक्टिकल करते हुए भी देख लिया। अब आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड सेगमेंट के ऊपर, स्कॉर्पियो की ऑफरोड। लुक एट इट, कितना एफर्टलेसली ये गाड़ी इस इंक्लाइन को क्लाइंब कर लेती है, इट्स लाइक नथिंग, एंड बड़ी ही आसानी से चैसी टॉर्चर टेस्ट को भी पास कर जाती है। वाओ, जस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर मैं इस पॉइंट पे इस गाड़ी के अंदर होता ना तो मेरे कपड़े और मेरी हालत दोनों खराब हो जाते। सो स्कॉर्पियो बेसिकली एक बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब ये होता है कि स्कॉर्पियो के दो मेन पार्ट्स है। पहला है इसका लेडर फ्रेम, जो कि नीचे का पूरा फ्रेम है जिसके ऊपर हम माउंट करते हैं इंजन को, सस्पेंशन कंपोनेंट्स को और टायर्स को, और उसके बाद आती है इसकी बॉडी जिसको कि बेसिकली आप फ्रेम के ऊपर बोल्ट कर देते हो। ये होती है बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन। सो इफ यू रियली वॉन्ट अ प्रॉपर ऑफ रोडर तो बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये इंक्लाइन कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है ये आपको इस रेनो को देख के समझ आ जाएगा, डस्टर को देख के समझ आ जाएगा। यू सी इवन द जिप्सी, लेजेंडरी जिप्सी कांट मेक इट। फॉर्च्यूनर ने स्ट्रगल किया, पजारो ने स्ट्रगल किया, ऑब्वियसली स्कॉर्पियो ने भी किया, बट एट द एंड स्कॉर्पियो डिड इट। इस क्लिप में देखो कि पजारो ने कितना स्ट्रगल किया एंड फिर भी वो इस इंक्लाइन को कर नहीं पाई, लेकिन स्कॉर्पियो पहली ट्राई में इस इंक्लाइन को चढ़ गई। मतलब इंक्लाइन चढ़ने के मामले में स्कॉर्पियो गैंग के जो बड़े बड़े मेंबर्स है ना, फॉर्च्यूनर और एंडेवर टाइप, उनके साथ कहीं ना कहीं हैंग आउट करती है। आई एम श्योर अबाउट दैट। 4x4 स्कॉर्पियो में डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड दैट्स बैड यार। आई मीन 4x4 ड्राइव ट्रेन स्कॉर्पियो की कितनी केपेबल है वो आप इस क्लिप में देख सकते हो, जिसमें स्कॉर्पियो इस स्लश से इतना एफर्टलेसली पार कर जाती है और फिर रिवर्स भी आ जाती है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके बाद यही सेम ऑब्स्टेकल जब रेनो डस्टर ने करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड वो फंस गई और फिर स्कॉर्पियो उसको रेस्क्यू करती है आके। वाटर वेडिंग एबिलिटीज में भी स्कॉर्पियो अपने अलग लेवल में है। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि स्कॉर्पियो की 350 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, लेकिन जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कितना आराम से और प्यार से स्कॉर्पियो बस तैरती हुई निकल जाती है। और इस दूसरी क्लिप में देखो, यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा दलदली है, हाँ थोड़ा सा व्हील स्पिन होता है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो इस ऑब्स्टेकल को भी इतना इजीली और एफर्टलेसली पार कर देती है। ये क्लिप देखिए जहाँ पे स्कॉर्पियो कितने प्यार से इस मडी ट्रैक को हैंडल कर रही है। जैसा कि मैंने बोला था कि विदेश में भी स्कॉर्पियो को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और ये रहा एक एग्जांपल, ये स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक वर्जन है। यहाँ पे देखो कितने बढ़िया तरीके से इसने टॉर्चर टेस्ट को पास किया है। हो सकता है कि आप लोगों को ये अभी देखने में इजी लग रहा होगा, बट ये काफी डिफिकल्ट है। एक बार देखो शैसी कितना फ्लेक्स कर रही है। और ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे स्कॉर्पियो को संदकपू नाम की एक जगह पे लेके जाया जा रहा है। इस टेरेन के लिए कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, मोस्टली यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो लैंड रोवर डिस्कवरी यूज करते हैं, एंड यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एफर्टलेसली इस टेरेन को प्यार से पार कर जाती है। अच्छा गाइस, ये सब तो हो गई मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बात है स्कॉर्पियो के बारे में, और जब हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके नेगेटिव्स भी जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नेगेटिव है कि इस गाड़ी का 4x4 वर्जन अब बंद कर दिया है कंपनी ने। आई मीन जैसा कि हमने एग्जांपल देखे हैं कि 4x4 ड्राइव ट्रेन में स्कॉर्पियो बहुत ही ज्यादा केपेबल है, लेकिन 4x2 ड्राइव ट्रेन में ऑब्वियसली जो स्कॉर्पियो की ऑफ रोडिंग एबिलिटीज है, जो टोइंग एबिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं सफर करेगी। और 4x2 का एग्जाम्पल आप इस क्लिप में देख सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसते फंसते गाड़ी बची है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाई थी वो ऑफ रोडिंग वाली, यहाँ पे आप देखोगे जब ये टॉर्चर टेस्ट से गुजर रही है तो यू कैन, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह फुदक फुदक के निकल रही है ये।
इसका मतलब ये है कि जो इसकी चैसी है ना वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, इवन दो कि एक बॉडी ऑन फ्रेम चैसी है, जिसकी वजह से इसकी ऑफ रोडिंग एबिलिटीज थोड़ी सी और कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे फुदक फुदक के किसी ट्रैक पे अगर आप जाओगे तो इट्स वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। फिर आती है इसके इंटीरियर स्पेस की बात, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, नो डाउट इन दैट, और काफी ज्यादा एयरी भी है और काफी बड़ा भी फील होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूटिलिटेरियन है, मतलब हार्ड प्लास्टिक एंड यू नो उतना ज्यादा पॉश नहीं है, एंड कंसीडरिंग की प्राइस पॉइंट 22 लाख रुपए का है, ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद बात आती है बॉडी रोल, क्योंकि स्कॉर्पियो को एज एन ऑफ रोडर डिजाइन किया गया है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छी है, और फिर इसकी हाइट भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे कि अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा सडन मूव करते हो या उसमें कोई स्टंट करने की कोशिश करते हो या फिर हैंड ब्रेक टर्न करने की कोशिश करते हो तो यस ये हो सकता है ना, क्योंकि इस गाड़ी में बॉडी रोल भी काफी ज्यादा है, इसकी वजह से आप इसमें अगर लॉन्ग ट्रेवल ना करो तो बेटर है। एंड दैट्स इट गाइस, अब मैं हो जाता हूँ चुप, और अब आप एंजॉय करिए थोड़ी और वीडियो क्लिप्स बहुत ही ज्यादा ऑसम स्टंट्स की और कुछ फेल्स भी। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अगली किसी वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल की और वीडियोस देखो, अगर आप लोग यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो एंड शेयर भी कर देना।